आपको बताएं कि नू लीग और पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तेफाक कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट को मुतहरिक करके नई आईनी तरमीम भी दो तिहाई अक्सरियत से मंजूर कराई जाएगी। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की लाहौर में होने वाली अहम मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। मौलाना नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाने और मंजूर कराने के मिशन पर काम शुरू कर दिया। नू लीग और पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तेफाक कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट को मुतहरिक करके नई आईनी तरमीम भी दो तिहाई अक्सरियत से मंजूर कराई जाएगी। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की लाहौर में होने वाली अहम मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। मौलाना नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाने और मंजूर कराने के मिशन पर काम शुरू कर दिया। नू लीग और पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तेफाक कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट को मुतहरिक करके नई आईनी तरमीम भी दो तिहाई अक्सरियत से मंजूर कराई जाएगी। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की लाहौर में होने वाली अहम मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। मौलाना नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाने और मंजूर कराने के मिशन पर काम शुरू कर दिया।